देश के नाम अपनी जिंदगी को कुर्बान तक कर देते हैं एसपीओस। जी हाँ, एसपीओस की बात करें तो हमने देखा कि हर लड़ाई में सबसे पहले खड़े नजर आते हैं, पर अगर जब हकों की बात आई तो उन्हें जो है उन हकों से दूर कर दिया जाता है। ये एक बड़ा सवाल लेकर जो है हमारे साथ सेवा सिंह बाली जी हैं, जो कि लगातार हमने देखा कि एसपीओस का मुद्दा उठाते हुए नजर आते हैं, एसपीओस की बात करते हुए नजर आते हैं। और आज इन्हीं से जानेंगे जिस तरीके से एसपीओस की ही बात करें, सिर्फ एसपीओस ही नहीं उनके परिवारों के साथ भी धोखा हुआ है। इतनी बड़ी तादाद में एसपीओस को जो है पहले लगाया जाता है और उन्हें ये कहा जाता है कि आप वही लोग हैं जो देश की सेवा करेंगे, पर उसके बाद जब उनके हकों की बात आती है तो उन्हें उन सभी हकों से दूर कर दिया जाता है। मैं सबसे पहले अर्थ न्यूज़ जो आपका चैनल है आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, और जिस तरीके से एसपीओस की बात आपने कही, आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं कि मैं किस टेम्परेचर में खड़ा हूँ। पिछले 7 साल से मैंने कहीं कहीं दिन खाना तक नहीं खाया है इनकी आवाज़ को उठाते उठाते, मगर इस बहरी एडमिनिस्ट्रेशन को, बहरी पुलिस चीफ को इतना भी इंसाफ नहीं होता है। जो 24 घंटे इस धूप में, कड़कती हुई धूप में ड्यूटी करता है, उसको आप 200 रुपया पर डे देते हैं और 24 घंटे ड्यूटी लेते हैं और बेल्ट फोर्स में वो नौकरी करता है, उसके लिए मैं कहता हूँ कि कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री, कोई भी जगह मैंने नहीं छोड़ी होगी जहाँ मैं इनकी फरियाद लेकर नहीं गया। जब मैं मजबूर हुआ, मैं देश के सबसे बड़ी अदालत यानी कानून का सबसे बड़ा घर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक गुहार लगाने का इनके हक के लिए गया। उसके बाद वहाँ से हमें एक आर्डर पास होता है, थोड़ी सी राहत मिलती है। उन्होंने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के लिए एक आर्डर पास किया कि ये प्राइमरी रिलीफ है। ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान ने मैटर को सुना और उन्होंने उस पर ये तस्दीक दी कि ये प्राइमरी रिलीफ है, यानी ये जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट भी इनको रिलीफ दे सकता है और ये डिज़र्व करते हैं। उसके बाद हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की, उसके नोटिस इशू हो चुके हैं। नोटिस का रिप्लाई देने में भी डीजी साहब को परेशानी आ रही है, जो 2 दिन में देनी चाहिए थी। अब मैंने वकील साहब को बोला है कि अगर टाइमली नोटिस का रिप्लाई नहीं आता है, मैं दिल्ली भी जा रहा हूँ, मैं 2 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय में एक मेमोरेंडम दिया, ये सारी डिटेल मैंने उसमें लिखी है कि जम्मू कश्मीर की जो गवर्नर इंतजामिया है वो हमारे मुलाजमों के साथ क्या सलूक कर रही है। और अब वो जो है उन्होंने नोटिस का अगर रिप्लाई, उन्होंने जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने टाइम मांगा था ऑनरेबल हाईकोर्ट से कि थोड़ा सा हमें टाइम दिया जाए, उसके बाद हम रिप्लाई फाइल कर देंगे। 21 सितंबर को हेयरिंग है, अगर उससे पहले डीजी साहब ने और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया तो आने वाले वक्त में हम मजबूर हो जाएंगे, उन 40,000 परिवार के को साथ लेकर सड़कों पर आएंगे। फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि उसके जिम्मेदार भी जम्मू कश्मीर के DGP साहब होंगे और हमारे जम्मू कश्मीर के LG साहब होंगे। ये बाली जी, एक सवाल है कि जिस तरीके से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि अब एक बड़ा प्रचार हो रहा है कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है, 370 हटा है, UT बनाया गया है, तो यहाँ पर सब कुछ बदलाव हो चुका है, पर ये बदलाव जो है ये क्यों नहीं देखने को मिल रहा, यहाँ इस स्थिति में बदलाव क्यों नहीं देखने को मिल रहा? क्योंकि कहा यही जा रहा था कि आम जनता तक को जो है फायदा मिलेगा, ये आम जनता नहीं है, ये वो लोग हैं जो देश के लिए जो है अपनी जान तक देने को तैयार है। आपको समझने में थोड़ी फ़र्क होगी है, शायद बुरा नहीं मानना, बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है। जिस लीडर के पास घर में खाना नहीं होता था, आज वो उसकी बहुत डेवलपमेंट उसकी हो चुकी है। और जम्मू कश्मीर के गरीब जनता को आज तक पिछले 70 साल से खाली वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया है, बाकी जम्मू कश्मीर की जो गरीब जनता है, जो 65-70% जो वोट परसेंटेज होता है, वो जो गरीब जनता होती है वो आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। जम्मू कश्मीर के अंदर 90% डेली वेजर विदाउट सैलरी हैं, और हमारा एक IAS और IPS ऑफिसर एक महीने का 4-4, 5-5 लाख रुपये सैलरी के अलावा खर्च करता है, कहीं उसके साथ मुलाजम चलते हैं, कहीं गाड़ियाँ चलती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ बदलाव नहीं हुआ, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई। जिस लीडर के पास गाड़ी नहीं होती थी, आज वो चापर के बगैर नहीं चलता है। कुछ कहीं लीडर ऐसे हैं, कहीं हमारे डिस्ट्रिक्टों में भी हैं, जहाँ लिफ्ट लगा दी है। 2.5 साल पहले मकान गिरवी था, आज लिफ्ट में अपने मकान में जाते हैं। तो आप क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, तरक्की नहीं हुई? तरक्की तो अपनी कह रहे हैं ना, वो किसी की तरक्की से क्या लेने देना किसी को। आप अगर आपको अपना ही चैनल आपको चीप बना देगा तो आप दूसरे की को कहाँ याद करोगे? ये तो जो हमारा लीडर है उसको तो वो तो बन गया ना लीडर,
वो तो मंत्री भी बने, वो तो चीफ मिनिस्टर भी बने, डिप्टी सीएम भी बने, एमपी भी बने, वो कहाँ नजर आएंगे इस धूप में? उनको क्या लेना देना आवाम से? जब इलेक्शन आएगा उस वक्त इनको वो बोलेंगे कि हम जम्मू कश्मीर को 10 मीटर ऊपर ले जाएंगे और उस वहाँ पर रोड बनेगा और वहाँ से आपको चलाएंगे, ज़मीन पर रखेंगे नहीं आपको। और लोग भी वही भाषा समझते हैं, अब तंग आ गए हैं लोग। अब क्योंकि आजकल की बात जो है छुपती नहीं है, आजकल किसी की आवाज़ कोई दबा नहीं सकता। ये एक तरफ से बोलते हैं कि देश के चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, क्या ये लोग यहाँ के एमएलए नहीं बन सकते? आने वाला वक्त जो है जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। और जिन लोगों ने इन गरीबों के हक को मारकर प्रॉपर्टी बनाई है, इंसान कुछ नहीं करता मगर जो ऊपर वाले की मार होती है, ऊपर वाले की सबके ऊपर नज़र होती है। बोलते हैं भगवान और खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं है। 100 दिन अमीर के, 1 दिन गरीब का ज़रूर आएगा और वो इसी साल या अगले साल आ जाएगा। आप सबको मैं पहले बताना चाहता हूँ और आप देखेंगे भी, आप देखेंगे भी। और इन्होंने साफ तौर पर जो है ये कहीं ना कहीं निशाना साधा है वो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार को कि भाई 100 दिन जो है वो अमीर के होते हैं तो 1 दिन गरीब का भी होता है, इनका वक्त भी आएगा और शायद तब ज़मीन जो है वो सरक जाएगी उन सभी नेताओं के नीचे से जो लगातार झूठे आश्वासनों पर जो है आज तक अपनी राजनीति की रोटियाँ सेकते आए हैं। आपकी क्या राय है ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।